बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और इसकी तरफ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। लटकाओ और नहीं यूपी वाली गाड़ी पर डाल दो। सगला भैन राम राम थारो देसी पत्रकार रवि खबर लोक चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। झुंझुनू की आवाज़ खबर लोक चैनल ने थे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। अभी जो देखा कि सूरजगढ़ का जो गांधी चौक पर अभी हाँ अठे जो विरोध है विरोध प्रदर्शन जो करो जा रहे है कि पिछला जो कुछ दिनों में जो घटना हुई है बान लेके कि अपने जिला की जो घटना हुई बान लेके आज विरोध प्रदर्शन करो जा रहे है तो बातचीत कर सें कि विरोध प्रदर्शन और मुख्य कौन सी की मांग है और की के द्वारा है जो प्रदर्शन अठे करो जा रहे है। राम राम जी। राम राम साहब। सब पहले तो थारो परिचय है वो अपना दर्शकन करवा दो। संदीप कुमार शर्मा युवा मोर्चा अध्यक्ष भाजपा जी। आज जो देखा कि विरोध प्रदर्शन करो जा रहे हैं मुख्य रूप जो मांग है के ही भी विरोध प्रदर्शन ये सब विरोध जो प्रदर्शन है सर्व समाज की तरफ से है और मांग ये है कि जो इस प्रकार की जो घटनाएं जो मान लीजिए मासूम बच्चियों के साथ हो रही है तो हम राष्ट्रपति महोदय से केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे अपराधियों को और तत्काल प्रभाव से उनको फांसी की सजा दी जाए, इससे नीचे और कोई भी कार्रवाई ना हो, क्योंकि जो छोटी छोटी मासूम जो बच्चियां जो समझ ही नहीं पा रही हैं उनके साथ इतना जो जघन्य कृत्य हुआ है और जो बलात्कारी हैं दोनों ही एक मान लीजिए बिल्कुल प्रौढ़ 55-60 साल का है दूसरा मान लीजिए कि भाई और 25-30 साल का है तो ऐसे अपराधियों के लिए और फांसी के अलावा मेरे विचार से और कोई भी और सजा नहीं होनी चाहिए भी और प्रशासन से इस प्रकार का और लगता है कि भाई फांसी उनको निश्चित मिलेगी और हम ये भी निवेदन करेंगे सरकार से कि जो न्याय पद्धति है उसके अंदर साहब सुधार की बड़ी भारी आवश्यकता है क्योंकि ऐसे अपराधी जो हैं वर्षों तक और अपने कानून में इतने पेच हैं कि उससे बचे रहते हैं तो इसके लिए कम से कम बलात्कारियों के लिए तो और तत्काल फांसी की सजा का प्रावधान राष्ट्रपति महोदय लें तो वो समाज के लिए भी एक अच्छा संदेश होगा और मान लीजिए कि सुरक्षात्मक दृष्टि से भी ठीक रहेगा जी। अगर फांसी नहीं दी जाए तो की प्रयास हैं जो देखा कि आपने जो सर्व समाज की ओर कर जाएंगे भाई सर्व समाज जो है मान लीजिए और प्रदर्शन कर रहा है हम लोग भी और एक पत्र व्यवहार चलाएंगे कि और राष्ट्रपति साहब के पास वो भेजेंगे जिसके अंतर्गत फांसी की सजा के लिए और हम सब युवा साथी और कार्यरत हैं कि भी राष्ट्रपति महोदय के पास ये आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाया जाए। ये केवल झुंझुनू जिले की नहीं पूरे भारत की ये समस्या है, इसके लिए हम राष्ट्रपति महोदय के पास और पत्र व्यवहार और पत्रावलियों के माध्यम से और दरखास्त करेंगे जी। एक ही जो घटना ही क्यों घटित हो रही है समाज में सो एक सोच बड़ो विषय है कि समाज में एक ही घटना हो रही क्यों है। ये एक गलत मानसिकता की वजह से हो रही है तो जो पाश्चात्य मानसिकता जो आ रही है ना गलत मानसिकता लोग अपने धर्म से अपने कर्म से विमुख हो रहे हैं ना उस वजह से हो रही है और इसका एक ही प्रावधान है कि इसको मतलब अब उस 6 साल की बच्ची के साथ जो रेप हुआ वो एकदम मतलब सोच के भी आपके रोएं खड़े हो जाएंगे इतनी जघन्य और इतना गलत काम हुआ है तो मैं तो ये कहता हूँ वो सिद्ध हो चुका उस बंदे ने भी कबूल कर लिया भी हाँ ये रेप मैंने किया है मैं ऐसे ऐसे गया था उससे मिले तो अब उस बात में देर क्यों हो रही है उसको जितनी जल्दी हो सके उसको तुरंत फांसी पे चढ़ाया जाए। जो भारत का बना है ना वो भी एक लच्चर कानून बना है दोष सिद्ध होने के बाद में भी आदमी बेदोष हो जाता है और वो उसे निकल सकता है तो की उम्मीद जो अगर हैं कि आगे की ये घटनाएं कि न हुई बन रोकने के लिए है कि करो जाए कि कानून और सकता है या फिर यहाँ कोई कानून लागू करो जाए जो यहाँ का अपराधी ही वह अगर हैं कि जो घटना अंजाम देने पहले भी सोचें। देखो अगर यही करना है कि आगे से ऐसी घटना ना हो तो उसको तुरंत फास्ट ट्रैक में मामला चला के एक महीने से भी कम समय के अंदर उसको फांसी दे दी जाए जैसे या फिर उसको मैं तो ये कहता हूँ भीड़ के हवाले कर दो आप भीड़ के हवाले कर दो ताकि ना फांसी की जरूरत पड़े ना किसी की तो उसको लोग वैसे ही पीट पीट के जान से मार दें और जितनी दर्दनाक सजा देश पूरे दुनिया में जिस भी देश में होना है उस सजा को ला के ना और ऐसा प्रावधान निकाल के ना उसको सबसे दर्दनाक मौत दी जानी चाहिए। ये जो घटनाएं की हुए हैं कुछ दिन तक आप देखा कि अपन ध्यान रहे हर चीज़ को फिर आप प्रदर्शन भी कर ले हाँ काफ़ी युवा जो एक्टिव हुई हो जाए ही लेकिन कुछ समय के बाद में फिर आप क्यों भूल जाए वहाँ क्यों है जो समाज में है कि सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही। ये सबसे मेन मोटिव यही है कि समाज में सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, संस्कारों की कमी है, पाश्चात्य जो संस्कृतियाँ रही है उसकी कमी है, लोग अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं और दूसरी संस्कृति को अपना रहे हैं उसकी कमी है। तो एक मतलब एक ये भी लोगों में संदेश जाना चाहिए कि मतलब अपनी संस्कृति को अपनाओ आप
जो हर चीज़ में अपन देख रहे हैं वेस्टर्न संस्कृति आ गई है उसको भी बंद करना चाहिए जी। और भी जो देखा काफ़ी युवा ही बात करना चाहूँगा, ये उम्मीद करो होगी उम्मीद या ये सब प्रशासन से फांसी पर लटका दो सीधा कि में कोई लेनो देनो नहीं है सीधा के वो लेकर रहे हो मामलो सबके सामने आ रही है और सबने बेरोचाल हो भाई आग लो खुद करनी हो और खुद कबूल कर ली सीधो लटकाओ और नहीं यूपी वाली गाड़ी पर टाल दो। समाज के अंदर कुछ असामाजिक तत्व होते हैं वो उनकी जो साइकोलॉजी है वो पाश्चात्य संस्कृति से जुड़ी हुई है और उनको मतलब जागरूक करेंगे और सरकार का सहयोग मिलेगा तो कुछ हद तक ऐसी प्रतिक्रिया पर रोक लगेगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। अपने झुंझुनू की पहली जो महिला सांसद ही बहुत आज चर्चा कर सें बातचीत कर सें जब सूरजगढ़ में पहुंच रहा कि आज जो आक्रोश रैली जो निकाली जा रही है। मैम अभी तो खबर लोक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। घटना हो रही है आप पर की विचार है जो थे रखो अभी? देखिए काफ़ी लंबे समय से झुंझुनू जिले में एक मुहिम हमारी टीम ने करीब 100 लोगों ने मिलकर स्टार्ट की थी आज से 10-11 साल पहले जी। बेटियों को गर्भ में मरने से कैसे बचाया जाए जी। हमने कहीं ऐड नहीं किए, कहीं हम खबरों में नहीं आए, चुपचाप अपना काम कर रहे थे और उसका परिणाम भी आपने देखा होगा कि लड़के और लड़कियों का रेशो जो झुंझुनू में बहुत गिर गया था वो काफ़ी अप हुआ है जी। तो ये काम हमने बिना किसी फेम और पब्लिसिटी के किया था जी। और उन कामों के नतीजे ज़्यादा बेहतर निकलते हैं, मैंने ये देखा है। पर अब मन बहुत खराब होता, निरंतर सामाजिक मूल्य गिर रहे हैं जी। और कोई कदर ही नहीं रह गई है। बच्ची 3 साल की है कि 2 साल की है, कितने महीनों की है, सालों की है, किसकी है, कोई बचा ही नहीं है कुछ। लोगों की मानसिकता इतनी खराब, इतनी विकृत हो गई है तो बहुत चिंता का विषय है। और मैं समझती हूँ कि बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं और इसकी तरफ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। मैंने तो राष्ट्रपति महोदय को भी पत्र लिखा है और जब मैं सांसद थी लोकसभा में भी इस मुद्दे को मैंने उठाया है। कानून देखिए बन जाए उनको अमली जामा पहनाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जैसे ही बलात्कार जैसी घटनाएं हो अबोध बच्चियों के साथ और तुरंत अविलंब उनको हैंग आउट कर दिया जाए, फांसी पर लटका दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये भय होगा और ये चीज़ कम होगी, रुकेगी। इस तरफ हम आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। लेकिन देखिए लंबे समय तक जेल जाना कोई ऑप्शन ही नहीं है। उस बच्ची का भविष्य तो खराब हो चुका है, उसकी कोई लाइफ ही नहीं बची है। उसका क्या मुआवजा दोगे आप? उसकी लाइफ को नॉर्मल ट्रैक पे आप लौटा ही नहीं सकते। तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि बलात्कारी के लिए फांसी के अलावा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए जी, क्योंकि उसकी मानसिकता कभी सुधरेगी नहीं जी। और एक मैं आपके माध्यम से हर परिवार से ये विनती करना चाहती हूँ कि देखिए जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं वो हैं तो हमारे ही परिवारों के लोग। बिल्कुल, तो बेटियों बेटियों को नहीं, बेटों को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है। उनको भी कहीं संस्कार हमारे खोते जा रहे हैं, उन्हें भी इस ट्रैक पे लाने की ज़रूरत है कि बेटी सबकी साझा है जी। तो ये संस्कार, ये शिक्षा, ये आचरण परिवार को अपने बेटों को भी देना चाहिए। मैम जद बेटी बचाने के लिए और बेटी पढ़ाने के लिए जब शुरुआत आपने जिलों करी गई भी की वजह ही कि लिंगानुपात में आपनों जिलों है जो काफ़ी आगे आए और काफ़ी प्रोग्रेस भी के अंदर करी, तो कि ये दिनांक लिए ही है जो लिंगानुपात बढ़ाए गए हो कि इलिए ही है कि जिलों वह चीज़ की जो शुरुआत हुई भी के बाद में आज ये दिन देखना पड़ रहे हैं, इकले भी कोई व्यवस्था क्यों कौन करी जा रही है अभी? देखिए ये झुंझुनू की धरा वैसे तो शौर्यवान धरा है। या आप सैनिक देखें तो, शहीद देखें तो, भामाशाह देखें तो, विश्व के मानचित्र पे हमारे यहाँ के व्यापारियों ने, हमारे यहाँ के लोगों ने अपने नाम दर्ज कराए जी। पर आपकी चिंता वाजिब है। हमने लिंगानुपात इसलिए नहीं बढ़ाया था कि 5-5 साल की बच्चियों के साथ इस तरह की घटनाएं, इस तरह की दुखद घटनाएं हों। लेकिन सदैव हर युग में राक्षस तो हमेशा पैदा होते रहे हैं और मैं इनको राक्षस ही कहूँगी। इनकी मानसिकता इतनी गिरी हुई और इतनी नीची होती है कि ये समाज में रहने के काबिल ही नहीं है जी। और मैं पुनः आपको एक बात कहूँगी कि देखिए कानून बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना डिफरेंट चीज़ें हैं। एग्जीक्यूट जब होगा ये कानून कि अबोध बच्चियों के साथ बलात्कार करने वालों को फांसी की सज़ा,
और वो भी त्वरित गति से, तुरंत फास्ट ट्रैक के जरिए होगी, तब ये चीज़ खत्म होगी कि नहीं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी हद तक ठीक होगी जी। आज जो देखा कि लगातार है कि ये हर चीज़ प्रूफ भी हो चुकी है, अपराधी की पहचान भी हो चुकी है, लेकिन बी के बाद में भी अभी तक सज़ा नहीं मिल पाना, एक सोच बड़ो विषय है, अभी की चीज़ को इंतजार हो रही है और क्यों इंतजार अभी करो जा रहे हो? देखिए, मैं कानून पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रही हूँ और ना ही मैं न्यायालय को कहीं न्यायालय की वैधता को चुनौती दे रही हूँ और ना ही मैं पुलिस के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रही हूँ। पुलिस ने भी तत्परता से अपना काम किया, लेकिन सिर्फ जो एक प्रोसीजर है कानून का, एक रास्ता जो कानून अख्तियार करता है, वो बहुत लंबा है और वो बहुत ही कष्टदायक है। जिस बच्चे के साथ हुआ है वो परिवार एक एक सांस गिन गिन कर ले रहा है। अब कुछ भी नहीं, अपराधी जब पकड़े गए हैं तब उनकी सुनवाइयाँ और साक्ष्य इकट्ठा करना, ये सब बेमानी चीज़ें हैं। सब साक्ष्य सामने हैं, यही तो मैं कह रही हूँ, यही तो एक कमी खल रही है, यही एक दर्द भरी दास्तान पूरी लंबी चल रही है कि इतना सब होने के बाद, अपराधी पकड़े जाने के बाद हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं जी। ये चीज़ जिस दिन ख़त्म हो जाएगी, ये गैप और ये लंबा प्रोसीजर जिस दिन ख़त्म हो जाएगा ना, उस दिन भय भी आ जाएगा लोगों में जी। अभी मैम केंद्र सरकार हूँ, देखा कि जब कानून बनाने की और कानून एग्जीक्यूट करने की बात आवे तो कोई उम्मीद करो हो या फिर कोई मांग करना चाहो कि यहाँ को कानून जो बनाया जाए ताकि यहाँ का जो अपराधी ही वह यहाँ की घटना ने इल्ज़ाम देने पहली थोड़ा सा सोचें। मैं केंद्र की सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, सबको पत्र लिख रही हूँ, मेल कर रही हूँ, मैं गुहार लगा रही हूँ और माननीय न्यायालय तक भी कहीं मेरी बात पहुँचे तो मैं इस बात की उम्मीद अपने अंदर पाले हूँ कि ऐसे लोगों को तुरंत फांसी होनी चाहिए, कोई और कुछ भी प्रावधान नहीं होना चाहिए। और मैं समझती हूँ और आशा रखनी चाहिए, मैं समझती हूँ कि कितनी बेटियाँ और भेंट चढ़ेंगी, कितने दिनों बाद हम सोचेंगे कि नहीं नहीं अब बहुत हो गया। मैं तो कहती हूँ कि बहुत हो गया, पानी तो सर से ऊपर चला गया। आए दिन की घटनाएं, आए दिन किसी मासूम को दरिंदगी का शिकार बनाना, ये मानवता पे बहुत बड़ा कलंक है, सबसे बड़ा अपराध है, इसको मैं मानती हूँ जी। थे एक जो महिला सांसद होने के नाते, आपने जो झुंझुनू जिला की बात कर लिया, पहले जो महिला सांसद चुना गया है, बंके नाते जिला वासियों के मैसेज के अपील थे करना चाहूँगा मैं तो। देखिए, एक बात कहूँगी कि बेटी चाहे किसी की भी हो, गरीब की, अमीर की, किसी भी जाति की, वो सर्व समाज की बेटी है। बेटियों को सम्मान देना, उनका आदर करना, उनकी हिफाजत करना समाज का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए जी। और अपने बेटों को भी महिलाओं की का सम्मान करना, उनका आदर करना सिखाना चाहिए। माँ का दायित्व तो सिर्फ यही नहीं है कि वो बेटी को ही सीख दे, बेटी को तो दे ही दे, ताकि वो स्त्री जाति का सम्मान करें, ताकि वो अबोध बालिकाओं के साथ इस तरह का जघन्य अपराध न करें। इसलिए एक परिवार की भूमिका के अंदर हमको सशक्तता लानी पड़ेगी, क्योंकि पहले संयुक्त परिवार थे, कोई न कोई सीख देने वाला मिल ही जाता था, अभी तो एकाकी परिवार हैं ज़्यादातर और जॉब है नहीं लोगों के पास, निठल्ले बैठे लोगों के दिमाग में खुराफातें आती हैं। तो परिवार की पृष्ठभूमि मजबूत अगर होगी, परिवार में बेटों को भी नैतिक शिक्षा अगर दी जाएगी, महिलाओं का आदर सम्मान करने की बात सर्व समाज में चलेगी, तो इसके पॉजिटिव प्रभाव आपको दिखाई देंगे। देखा, बात करें कि युवा में काफ़ी आक्रोश है और जो घटना ही पिछला कुछ दिन हम जो आपने झुंझुनू में घटित हुई ही, जो अपराधी ही बने तुरंत फांसी दी जाए भी की मांग करने के लिए जो युवा ही जो आक्रोश रैली अठे जो निकाली है, पूछ के देखे और बातचीत करी, तो उम्मीद है कि जल्दी जल्दी जो बने अपराधी ही बने फांसी दी जाए। वीडियो के बारे में थोड़ा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि प्रशासन तक पहुँचे और जो अपराधी ही बने तुरंत प्रभावों जो सजा दी जाए। चैनल पर बने रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।